तो एक्सेल के सेकंड वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सेल के अंदर यूज़ होने वाले मोस्ट प्रोबेबली फंक्शंस के बारे में। जैसे पहले वीडियो में हमने बात करा था कुछ बेसिक सेल एड्रेसेस के बारे में, यानी सेल रेफरेंसेस के। यहाँ हम बात करने वाले हैं फंक्शंस के बारे में। तो जहाँ जैसे एक डेटा दिया गया है जिसमें नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी दी गई है, यहाँ जैसे मान लीजिए मुझे सारी सैलरी का टोटल करना है, तो इसके लिए आपको करना है वो क्या होगा, यहाँ पे इक्वल्स टू लगाना है, सम लगाना है, ब्रैकेट ओपन करेंगे यानी कि पैरेंथेसिस, इसके बाद सेल्स को सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। तो ये है हमारा सम फंक्शन जो हमारी सारी वैल्यूज़ को प्लस करता है। अगर मान लेते हैं मुझे सम की जगह पर मान लीजिए यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं एक मैक्स फंक्शन, यानी ये मैक्सिमम वैल्यू बताता है। आपने सेल सेलेक्ट करेंगे, फिर से रेंज देंगे और फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे, तो ये आपको मैक्सिमम वैल्यू बताएगा। इसी तरीके से अगर आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम यहाँ पर फंक्शन यूज़ करते हैं मिन। मिन फंक्शन करता क्या है, बेसिकली हमारी जो रेंज है उसमें हमें सबसे मिनिमम वैल्यू यानी सबसे छोटी वैल्यू हमें बताता है। ये आपने सेलेक्ट करके एंटर करा तो आपकी मिनिमम वैल्यू भी आ गई यहाँ पर। तो इस तरीके से हम लोग सम, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। अब मान लीजिए किसी भी जो रेंज है उसमें कहीं पर मान लीजिए कोई टैक्स वैल्यू लिखा हुआ है, तो टैक्स वैल्यू लिखी होने की वजह से जो हमारा टोटल होगा या मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगी वो फाइंड नहीं होगा। तो उस कंडीशन में अगर यहाँ पर हम मान लीजिए मुझे सारी रेंज में ये काउंट करना है कि कितनी सेल ऐसी हैं जहाँ पर वैल्यू लिखी गई है, तो उसके लिए हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं काउंट। काउंट के बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पर आप रेंज सेलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ ब्रैकेट क्लोज करने के बाद जैसे ही आपने एंटर करा तो यहाँ देखा आपने 9 वैल्यूज़ आई हैं, जबकि अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये टेक्सचुअल वैल्यू को लगा के 10। तो ये काउंट फंक्शन जो होता है हमारा, ये सिर्फ हमारी न्यूमेरिक वैल्यूज़ को काउंट करता है। अगर मुझे न्यूमेरिक और टेक्सचुअल वैल्यू भी काउंट करनी है, तो उसके लिए हम लगाते हैं काउंट ए फंक्शन। काउंट ए फंक्शन हमारा करता क्या है, जितनी भी न्यूमेरिक या टेक्सचुअल वैल्यूज़ हैं ये उन सबको कैलकुलेट करता है। तो यहाँ पर आपने काउंट, ये 12 था आपका, और उसके बाद पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, तो ये देखिए रिजल्ट आ गया 10, यानी टोटल जो वैल्यूज़ हैं हमारी वो हैं 10। यहाँ पर ऊपर अगर हम बात करें तो नेम बॉक्स ये दिया गया होता है। नेम बॉक्स हमें हमारे क्या करता है, पर्टिकुलर सेल जो सेलेक्टेड है यानी कि जो एक्टिव सेल होता है उसका नेम दिखाता है, और फार्मूला बार हमें उस वैल्यू या रेंज के अंदर जो हमारा फार्मूला लिखा हुआ है उस पर्टिकुलर सेल के अंदर वो हमें यहाँ शो करता है। अगर वहाँ पे कोई फार्मूला लगा हुआ है तो फार्मूला दिखाएगा, अगर कोई नंबर लिखा हुआ है तो ये हमें, या कोई वैल्यू लिखी हुई है तो फार्मूला बार हमें उस नंबर को दिखाता है। ठीक है, जब भी हम किसी फंक्शन को लगाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर सम लिखा है, ब्रैकेट ओपन कराए, तो यहाँ पर फार्मूला बार पर राइट और क्रॉस यानी कैंसिल का सिंबल एक्टिव हो जाता है। अब यहाँ पर जब हम रेंज सेलेक्ट करते हैं, रेंज सेलेक्ट करने के बाद मैंने ब्रैकेट क्लोज नहीं करा है, तो मैं जैसे ही इस एंटर वाले यानी राइट जो है, राइट का साइन जो दिया गया है ये एंटर बटन का काम करता है, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये फंक्शन का कंप्लीट होगा और रिजल्ट हमारा आ जाएगा। इसी तरीके से जब कोई फंक्शन आप लगाएंगे और अगर वो फंक्शन आपको नहीं लगाना, हटाना है, तो ये क्रॉस वाले साइन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो वहाँ से फंक्शन पूरा हट जाएगा। इस तरीके से अगर मान लीजिए मुझे यहाँ से कुछ नहीं लगाना, मैंने ब्रैकेट ओपन करा और मैं इस फंक्शन को कंप्लीट नहीं करना चाहता, तो क्रॉस वाले सिंबल पर क्लिक कर देंगे तो वो फंक्शन वहाँ से डिलीट हो जाता है। इस तरीके से ये राइट और रॉन्ग हमारे फॉर्मूला बार के अंदर काम करते हैं। अब एक चीज़ अगर हमने नोटिस करा हो कि यहाँ पर हम किसी भी फंक्शन को जब हम यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ की वैल्यू रैंडमली चेंज हो रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ जो फंक्शन लगा हुआ है वो है रेंड बिटवीन, क्योंकि हर बार ये क्या करता है, या ये हमारा एक रैंडम नंबर वहाँ पर जनरेट कर देता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर वो रैंडम नंबर्स लगाना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे करना क्या होगा, यहाँ पर इक्वल्स टू लगा के मैंने लिखा है रैंड बिटवीन। रैंड बिटवीन फंक्शन करता क्या है, एक रेंज हमें जनरेट करता है और उस रेंज में रैंडम नंबर्स होते हैं। जैसे यहाँ पर बॉटम और टॉप दिया गया है, मैंने बॉटम वैल्यू लिखी मैंने 15 और टॉप वैल्यू लिख दिया मान लीजिए मैंने 150। पैकेट क्लोज करने के बाद आप एंटर करेंगे, तो एंटर करने से यहाँ पर सिर्फ आपने देखा कि सिर्फ एक सेल में वैल्यू आई है। अगर मैं चाह रहा था कि पूरी रेंज में वैल्यू आए तो मुझे करना क्या होगा, दोबारा से देखते हैं। पहले रेंज सेलेक्ट करा आपने, फिर से आपने लिखा रैंड बिटवीन, ब्रैकेट ओपन करा, फिर से वही सेम रेंज थी 15 एंड 150, ब्रैकेट क्लोज करके आपको करना है कंट्रोल के साथ एंटर।
कंट्रोल के साथ एंटर करेंगे तो तभी ये सारी वैल्यूज़ आपको यहाँ पर फिलअप होके दिखाई देंगे। इसके बाद जैसे हम सीरीज़ की बात करते हैं, एक्सेल में हम सीरीज़ बना सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 1, उसके बाद मैंने 2 लिखा और इन दोनों नंबर को सेलेक्ट करके जैसे ही मैं ट्रैक करूँगा जहाँ तक, तो ऑटोमेटिकली नंबर आ जाएंगे। पर अगर मैं किसी एक नंबर को ही सेलेक्ट करके अगर ट्रैक करूँ तो क्या होगा? तो आपने नोटिस करा कि यहाँ पे 1 जो है वो सारे सेल में ही कॉपी हो गया। अगर मान लीजिए मुझे इसी को सीरीज़ में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा? यहाँ पर ये हमारा ऑटोफिल ऑप्शन आता है, इस पर जाएंगे आप और यहाँ फिल सीरीज़ पर क्लिक कर देंगे तो आपका वो जो 1 कॉपी हुआ था वो सीरीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैंने यहाँ पर जनवरी लिखा है और जनवरी लिखने के बाद अगर आप इसको ड्रैग करेंगे और ड्रैग करने के बाद यहाँ नोटिस करेंगे कि वहाँ पर सारे के सारे जो मंथ हैं वो ऑटोमेटिकली आ गए। अगर इसी तरह की कोई कस्टम लिस्ट आपको बनानी है तो उसके लिए करना क्या होता है, हमें यहाँ फाइल मेन्यू पर जाते हैं और फाइल मेन्यू पर जाने के बाद ऑप्शन पर हमें जाना होता है और ऑप्शन पर जाने के बाद ये एक्सेल ऑप्शन की विंडो ओपन होगी। यहाँ पर एडवांस पर जाएंगे, एडवांस पर नीचे ड्रैग करेंगे तो नीचे ड्रैग करने के बाद यहाँ पर एडिट कस्टम लिस्ट के नाम से आपको ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर जाके न्यू लिस्ट आपको जो भी बनानी है वो लिस्ट आप बना सकते हैं। जैसे मैंने लिखा ए ए बी बी सी सी डी डी ई ई एफ एफ जी जी एच एच। इसके बाद आपने इस लिस्ट को ऐड कराए, ओके कर दिया और यहाँ से इस विंडो को भी ओके करेंगे। अब जैसे ही आप ए ए लिख के एंटर करके इसको सेलेक्ट करके ड्रैग कराएंगे नीचे तक तो वहाँ पर ये ऑटोमेटिकली लिस्ट जनरेट हो जाएगा। तो ये कुछ मेन फंक्शन थे एक्सेल के। इसी तरीके से और रिमेनिंग फंक्शंस के साथ वापस हम सेकेंड वीडियो में मिलेंगे। वीडियो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो दूसरों को शेयर करें।